देखिए बिहार में सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर, हेलीकॉप्टर क्रैश, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पहुंचाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। वायुसेना को इसके पीछे लगाया गया था और वायुसेना के द्वारा लगातार जो है बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा था, आसमान से फूड पैकेट गिराए जा रहे थे। लेकिन इस बीच की सबसे बड़ी तस्वीर, मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो चुका है, हादसे का शिकार हो चुका है और ये हेलीकॉप्टर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए जा रहा था। तो देखिए मुजफ्फरपुर के और आई इलाके की यह घटना है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ये राहत सामग्री पहुंचाए जाने के क्रम में ही बड़ा हादसा हुआ है जिसकी तस्वीर अब निकलकर सामने आई है। तो बाढ़ के लगातार विभीषिका के बीच बिहार में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। विमान सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो हादसाग्रस्त हुआ है और इस हादसे के बाद आसपास के इलाके से लेकर पूरा जो खेमा है, प्रशासनिक खेमा, उसमें हड़कंप मच गया है। लगातार तस्वीरें आप बाढ़ की देख रहे थे बिहार में, और बिहार में जिस प्रकार बाढ़ की त्रासदी है उस पर काबू पाने के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उसी प्रयास का नतीजा रहा कि वायुसेना को इसके पीछे लगाया गया, हेलीकॉप्टर मंगाए गए और हेलीकॉप्टर से इलाकों इलाकों में खाद्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा था। लोगों के ऊपर खाद्य पैकेट गिराए जा रहे थे, फूड पैकेट गिराए जा रहे थे और उन्हें खाना पहुंचाने की तमाम कोशिश की जा रही थी और उन लोगों को खाना मिल भी रहा था। लेकिन औराई में, मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। नया गांव वार्ड नंबर 13 में यह हादसा हुआ है और औराई के बाढ़ग्रस्त इलाके में हेलीकॉप्टर जैसे ही क्रैश होता है उसके बाद हड़कंप मच जाता है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। तो इस वक्त की एक बार फिर से सुनिए सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, बाढ़ सामग्री का वितरण करने के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा था। बिहार में जिस प्रकार बाढ़ की विभीषिका है, जिस प्रकार कोसी और गंडक बराज से छोड़े गए पानी का जो असर है वो इलाकों इलाकों में देखने को मिल रहा है और कई इलाके अब भी जो है पानी में घिरे हुए हैं, कई इलाकों के लोग अब भी पलायन कर रहे हैं, कई इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, तो वहीं हजारों और लाखों की आबादी अभी भी बाढ़ग्रस्त इलाके में पड़ी हुई है, मतलब घिराई हुई है। ऐसे में कल तक का जो आंकड़ा हमने आपको बताया था कि बिहार में लगभग 10 लाख की आबादी ऐसी है जो बाढ़ग्रस्त इलाके में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है या घिर चुकी है, जिसे खाद्य सामग्री पहुंचाने की कोशिश तमाम की जा रही है सरकार के द्वारा भी और जिला प्रशासन के द्वारा भी। लगातार कई दिनों से, 3 से 4 दिनों से बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे हैं और बताते रहे हैं कि चाहे सुपौल जिला हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे अन्य कई जिले हो, वहां पर हालात कितने बेकाबू होते जा रहे हैं। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार को भी निकलना पड़ा, नीतीश कुमार को भी हवाई सर्वेक्षण करना पड़ा और हवाई सर्वेक्षण के तुरंत बाद ही सरकार की ओर से व्यवस्थाएं तमाम की जाने लगी। जिला प्रशासन के स्तर पर भी फूड पैकेट का वितरण किया जाता रहा और ऐसे में जब सेना को लगाया गया, एयरफोर्स को लगाया गया, तो हेलीकॉप्टर से जो राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा था उस दौरान ही यह बड़ा हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने के क्रम में यह हादसा हुआ है और औराई क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके में जब यह हेलीकॉप्टर गुजर रहा था उसी दौरान यह पानी में जा गिरता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है, लोगों में हड़कंप बच जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी तस्वीर सीधे-सीधे मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है। सीतामढ़ी से ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, सेना का हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ है। सीतामढ़ी में ये जाने के बाद राहत सामग्री देने वाला था, मतलब राहत सामग्री का वितरण किया जाने वाला था, लेकिन इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच एक से बढ़कर एक तस्वीरें और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि सेना के जिस हेलीकॉप्टर को राहत सामग्री के वितरण के लिए लगाया गया था वो हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो जाता है, हो चुका है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में बाढ़ के हालात इतने बदतर हो चले हैं कि निचले इलाकों से लेकर नेपाल के तराई वाले इलाकों की हम बात कर लें या फिर नेपाल से सटे हुए जिलों की बात कर लेते हैं, लगातार तमाम नदियां उफान पर है। कोसी और गंडक बराज से जिस प्रकार पानी छोड़ा गया, पानी का दबाव बढ़ा और वो पानी जो है इलाके इलाके में जब पहुंचता है तो कई इलाके डूब जाते हैं, कई जिले डूब जाते हैं, कई तटबंध टूट जाते हैं। और पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी बिहार में 7 से 8 तटबंध जो है कोसी और गंडक के पानी के बहाव के कारण टूट गए, इलाकों इलाकों में हड़कंप मच गया, हजारों और लाखों की आबादी, कई पंचायतें, कई जो गांव है वो बाढ़ की विभीषिका में घिरे हुए नजर आ रहे थे। और यही कारण है कि सरकार की ओर से तमाम जो है राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा था ताकि लोगों के पास खाना पहुंच सके, लोगों को राहत पहुंचाया जा सके और हर कीमत पर उन्हें इस बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके।
तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें उसी दौरान की है जब ये हादसा हुआ है। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है और किस प्रकार वहां पर तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये नजारा है जब लोग हेलीकॉप्टर गिरने के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वहां पहुंचे हैं। आसपास के इलाके में भीड़ लग गई है और मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और आई प्रखंड के भरतुआ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, गनीमत की बात यह है, राहत की बात यह है कि यहां पर कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, सभी सुरक्षित हैं। वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर था जो राहत पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसकी बड़ी तस्वीर हम लगातार आपको लाइव सिटीज पर दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त की बाहर से जुड़ी हुई, बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद। चार आदमी हो अरे कोसी निकाले जाए छे इसे तो कोई कामयाब के पूरा सब है, पूरा सब है, ये बात कर जान के ले निकाल कर रखे छी खाना कोई कामयाब हो तो देख लियो अच्छा है दौरा में चले छो कुछ कामयाब न हो रे आदमी बच गेले सामान के छोड़ दे सामान के छोड़ दे चना लेके लाइव करा दे छोड़ के थारो ने जा दूर के कितना होती कहां चलो तो कोई चला ले चला ओकरे पीछे चला चल चल मैं उतरे जा है बरो है बरो 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 सब चूरा सराली बाटे लाई नहीं तो के यार मन में गिर दिए तो डूब जाती है नैया डूब तो अच्छा दिया कथी है।